कुदरत की बनाई ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कई बार इन रहस्यों की गुत्थी में वैज्ञानिक भी उलझ जाते हैं। वैसे तो ये बात आप जानते ही होंगे कि गुरुत्वाकर्षण के बिना जीवन असंभव है। दुनिया की कोई भी चीज आसमान से गिरने पर जमीन पर ही आती है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई चीज ऊंचाई से नीचे फेंकी जाती है तो वो जमीन पर नीचे नहीं गिरती बल्कि हवा में उड़ने लगती है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के हूवर डैम की। ये डैम अमेरिका के नेवादा और एरिजोना राज्य की सीमा पर बना हुआ है। दरअसल हूवर डैम की बनावट ही ऐसी है जिसकी वजह यहाँ चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और उन पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है। यही वजह है कि अगर हूवर डैम से कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकी जाए तो वह जमीन पर न गिरकर हवा में उड़ने लगती है। डैम को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हूवर डैम की बनावट के कारण होता है। ये डैम धनुष के आकार में बना हुआ है। यही वजह है कि कोई भी चीज यहाँ ऊपर की तरह उछालने पर बांध की दीवार से टकराकर हवा में उड़ने लगती है, जिस कारण से देखने में ये नजारा किसी चमत्कार या साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है। जानकारी के लिए बता दें कि हूवर डैम की ऊंचाई 726 फीट है। हूवर डैम के बेस की मोटाई 660 फीट है, जो फुटबॉल के दो मैदानों के बराबर है। इसके निर्माण को 90 साल बीत चुके हैं लेकिन बांध आज भी सक्रिय है और ये अमेरिका के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में से एक है। इसके निर्माण में हजारों श्रमिकों को लगाया गया था, जिनमें से निर्माण के दौरान करीब 100 श्रमिकों की मौत भी हुई थी। इस बांध को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 30 सितंबर 1935 को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका नामकरण अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के नाम पर हुआ था। अपनी इंजीनियरिंग की वजह से इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल अद्भुत वर्ल्ड 2.0 के साथ। धन्यवाद।